Hey guys, Assalamualaikum. I'm doing great and hopefully आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे. वेलकम टू अनदर वीडियो. और आज की वीडियो में अगर तो आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो भाई बस सीट पकड़ के बैठ जाएं और पूरी वीडियो देखनी है आपने शुरू से अंत तक, क्योंकि यार मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में इतने ढेर सारे ब्लंडर किए हैं. ड्रेसिंग तो ठीक होती थी लेकिन कभी भी स्किन केयर की तरफ अटेंशन नहीं दी, कभी इस चीज़ की तरफ अटेंशन नहीं दी कि भाई मुँह को भी थोड़ा बहुत संवारना होता है. तो यस, अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में थोड़े से बाय फेस यहाँ से थोड़े से ग्रूम लगें तो शुरू से अंत तक वीडियो देखें. जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी सारी वो आपको, जितनी मैं यूज़ करूँगी वो आपको इजीली अवेलेबल हैं, या तो मार्केट से मिल जाएंगी. और मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपको एक पेज, एक और मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएंगी. मैं रिंग लाइट चूज़ नहीं करी क्योंकि ऑब्वियसली आज जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप अपने साथ रिंग लाइट नहीं लेके जा सकते. तो आज मैंने सूरज की रोशनी में वीडियो बनानी है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे सूरज की रोशनी होती है, रिंग लाइट की रोशनी नहीं होती. तो भाई जितने भी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ मुझे देख रही हैं आराम से बैठ जाएं और अपने साथ कोई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न रख लें और शुरू से अंत तक मेरी वीडियो देखें, क्योंकि भाई दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो यस गाइस, विदाउट एनी फर्दर. और ये ट्रैक्टर की आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है. भैया यूनिवर्सिटी में उतना कमेंट लड़के लड़कियों के मेकअप पे नहीं करते जितना लड़कियां करती हैं. और अगर आपको देखना है कि कैसे लड़कियां क्रिटिसाइज करती हैं तो ये देखें, देखे जा रहे कुछ नहीं आता इस कुड़ी में, लाइनर भी नहीं लाना आता. आई लव, मैं तो जरा मेकअप नहीं करती ना, तुम आपको देखो जरा. हाय हाय, चुन्ने दे मुंह वाली नजमा को देखो, कितनी लाल सुर्खी लगा के आई है. ग्रीना का लाइफ के ऊपर का देखो. हाय ला, आप बताइए नहीं इन लड़कियों को इतना मेकअप. देखो यार ये थोड़ा सा पाउडर मुझे भी दे दो, देना जरा एक मिनट. मैं तो मेकअप के बगैर ही प्यारी लगती हूँ, नेचुरल ब्यूटी. हाय हाय, मुंह कितना बड़ा तुम्हारा, कंटूरिंग किया करो जरा अच्छे से, डबल चिन बड़ी नजर आ रही है, अच्छी नहीं लगती. ऐसे खतून लगती हो, खतून लड़की नहीं लगती. देखो ना जैसे मेरी ये जॉ लाइन ऐसे. हाय लास्ट है मां, इतनी लाली है किस खुशी में, किसको दिखाती हो तुम यहाँ पे है? यार मेकअप करके ना बंदा बड़ा बड़ा लगता है, अच्छा नहीं लगता. और तुम्हें मेकअप नहीं करना आता, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, ना किया कर, छोड़ो पर. ओके गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर बकबक हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी की ये फाउंडेशन और इसका जो शेड है इट्स इन शेड आइवरी. और इसकी कवरेज यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए इसकी कवरेज ठीक है. आप एक डॉट यहाँ लगाएं, एक डॉट यहाँ लगाएं, एक डॉट यहाँ लगाएं और एक यहाँ लगाएं एंड यू आर गुड टू गो. ना तो बहुत कोई हाई कवरेज है, बिल्डेबल कवरेज है. अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो कोई केक जैसा मुंह तो आपने लेके जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाएंगे तो सनलाइट में बहुत ऑकवर्ड सा लगता है, भूतिया सी शक्ल आती है आपकी. ये आपको बहुत ही नेचुरल और अच्छी सी फिनिश देती है. तो यस, मैं फाउंडेशन ये वाली अप्लाई करती हूँ. पहले हम ब्रश से अप्लाई करेंगे, फिर हम एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड आउट कर देंगे अच्छे से, ताकि पता ना चले कि आपने फाउंडेशन लगाई है. लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट की गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल और इसका जो शेड है इट्स इन शेड 3.5 न्यूट्रल मीडियम ब्राउन. क्योंकि डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे कोई लाइन नहीं चाहिए होती, ऐसे नहीं होता कि आपने ब्रश पकड़ा और ये जी यहाँ पे कोई काला मार्कर के साथ ऐसे लग रहे हैं निशान लगे हुए हैं. आपको बहुत नेचुरल लुक चाहिए होता है तो उसके लिए ये वाली ब्राउ पेंसिल बहुत अच्छी है, बहुत पिगमेंटेड है.
उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का ये बेक्ड ब्लश इन शेड 09 रेड वाइनो। इट्स अ बेक पाउडर ब्लश और इसके अंदर छोटे छोटे चंक्स है ग्लिटर की। आपको हाईलाइटर की जरूरत नहीं पड़ती, ब्लश ऑन लगाएं तो ऐसे ही फील होता है स्किन आपकी ग्लोई ग्लोई हो गई है। और ये बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, आप इसको आसानी से अपनी यूनिवर्सिटी बैग में, क्लच में, पाउच में कहीं भी रख सकते हैं। और आपकी बहन ने ये तोड़ लिया नीचे गिरा के। क्या जी, हमारे पास ब्लश और इसके नीचे हमारे पास एक और कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको ये छोटा सा ब्रश भी मिलता है और ये छोटा सा मिरर। यस, इट्स रियली हैंडी, आप इसको कहीं भी अपनी यूनिवर्सिटी बैग में कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। बाद मैं यूज कर रही हूँ अनस्ताजिया की ये लिक्विड लिपस्टिक इन शेड प्योर हॉलीवुड। ये बहुत ही खूबसूरत सा न्यूड शेड है, लेकिन हम इसके साथ एक और रेडिश शेड मिक्स करेंगे। आई गॉट दिस लिप क्रियन फ्रॉम मिनीसो और इसका क्या बहुत गंदा हुआ है, मैंने इसको बहुत यूज किया है। तो इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी। ये वाली आपको कहाँ से मिल जाएगी और बाकी सब कहाँ से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसको मैं अप्लाई करूंगी और फिर उसके बाद मैं ये वाली डैप कर दूंगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरा नहीं ख्याल कि न्यू शेड एक अलहदा ही लुक देता है। तो हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत सा एक पीची पिंक शेड बन जाएगा। तो यस, लेट्स डू इट। आप देख रहे हैं कितना मरा हुआ कलर लग रहा है, मतलब वो आपको एक ग्लोई और एवरीडे मेकअप लुक वाली फील नहीं दे रहा। तो इसलिए मैं इसके साथ मिक्स करने वाली हूँ ये मिनीसो का लिप क्रियन इन शेड रेड 02। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल आ परफेक्ट शेड फॉर एवरीडे यूज़। कोई भी न्यूड लिपस्टिक ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने अनस्ताजिया की लेनी है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स हैं जिनकी लिपस्टिक्स और लिप मैट्स काफ़ी अच्छी हैं। कोई भी न्यूड लिपस्टिक ले लें और उसको मिक्स कर दें, कोई भी रेड लिपस्टिक आपके साथ पड़ी हुई है, तो एवरीडे के लिए बहुत ही अच्छा सा लिप शेड बन जाता है आपके लिए। जितनी भी यूनिवर्सिटी गोइंग है उनके लिए बता रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूसिन का ये मस्कारा। यार ये इतना फिट किस्म का मस्कारा है, इसको यूज़ करो और आप लोग भूल जाएंगे कि मेबेलिन क्या है और मिस रोज क्या है, एवरीथिंग। बहुत बहुत फिट है, आपकी लैशेज़ को लिफ्ट कर देता है। क्योंकि डेली बेसिस पे आई वोंट रेकमेंड यू कि आप अपनी लैशेज़ को कर्ल करें, क्योंकि उससे लैशेज़ वीक हो जाती हैं और आपकी लैशेज़ उतरना शुरू हो जाएंगी। तो डेली बेसिस पे एक अच्छा मस्कारा यूज़ कर लें, और वाटर प्रूफ मस्कारा तो बिल्कुल यूज़ नहीं करें। सो यस, ये बहुत ही आसानी से उतर भी जाता है। आप पानी लगाएं अपने मुंह पे और इसको थोड़ा सा रब करें, कोई वैसलीन नहीं, कोई कोकोनट ऑयल नहीं, कोई मेकअप रिमूवर नहीं, और ये बहुत इजीली उतर जाएगा। मेकअप हो गया हमारा और लास्ट पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टारडस्ट का ये इल्यूमिनेटिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, रिवाज का यूज़ कर लें, मेबेलिन का यूज़ कर लें। इसके अलावा अगर सेटिंग स्प्रे नहीं है आपके पास तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लो टू योर फेस। यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों की यही रिक्वायरमेंट होती है कि 24 घंटे हमारा मेकअप स्टे करे। तो 24 घंटे मेकअप अगर आपने स्टे करवाना है तो एक तो ये फाउंडेशन की आपने लेयर्स नहीं लगानी है अपने फेस पे, और एक और चीज़, ऑलवेज यूज़ आ सेटिंग स्प्रे एंड पे। सेटिंग स्प्रे नहीं तो रोज़ वाटर आप स्प्रे कर लें, आपका मेकअप 24 घंटे कहीं भी नहीं जाएगा। 24 घंटे तो नहीं, लेकिन 8 से 10 घंटे यूनिवर्सिटी के जो होंगे वो आपके आराम से गुजर जाएंगे। ओके गाइस, सो वी आर डन विद द मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट। बहुत ढेर सारा प्यार देना है आपने कमेंट्स में, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बस सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी यहाँ पे आऊँ तो आप लोगों को पता चल जाए। आप देख रहे हैं कितना मरियल कलर
मलियल कलर लग, इसके लिए डोंट यूज इट्स अ गूफ प्रूफ बाय बाय Artist illuminating makeup setting spray. Okay. इतना छोटा सा क्यों है? Artist का ये illuminating makeup. What rubbish. <rubbish. laughs>